स्वागत है दोस्तों। आज मैं दिखा रही हूँ आपको बहुत ही बड़े पत्ते वाला मनी प्लांट, जो कि नीचे एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत। इसमें कम से कम 20 इंच बड़े लीफ हैं, देखिए। और इसका कलर भी बहुत ही सुंदर है और इसकी जो स्टेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी सी हैं। तो आज मैं उनकी कटिंग करके नए प्लांट्स बनाने वाली हूँ। पहले आप देख लीजिए कितना खूबसूरत ये प्लांट है। ये अब मैं खिड़की में से शॉट लिया था पहला, ये मैं नीचे आ गई हूँ और दिखा रही हूँ आपको इसकी कितनी बड़ी बड़ी स्टेम्स हैं। और ये देखो, बहुत बड़ी इसकी स्टेम्स हैं। ये इतने बड़े लीफ इसके इस कारण है क्योंकि ये पेड़ के तने के ऊपर चढ़ा हुआ है, ये देखो। और फुल सनलाइट मिल रही है, न्यूट्रिशन मिल रहा है इसको। तो आज मैं इसकी बड़ी बड़ी स्टेम्स काट के नए प्लांट्स तैयार करने लगी। तो खींचते हैं हम इसकी स्टेम्स। ये मैंने पेड़ से बहुत बड़ी स्टेम्स तोड़ ली हैं इसकी, ये देखो कितने बड़े पत्ते हैं इसके। और इसकी स्टेम भी देखो कितनी मोटी है। तो इनकी हम कटिंग करते हैं अभी। मैंने तो खुरपाई ले लिया और बस आपको क्या ध्यान रखना है कि नोड एरिया इसके, ये देखो, वैसे तो इसमें एरियल रूट्स हैं सब जगह, आपको एरियल रूट से ही इनको काटना है। तो चलिए, मैंने लिया है बहुत बड़ा खुरपा और ये बस देखो एक ही मारने से ये कट रही है। और बहुत सारी हम इसकी इसमें देखो, ये एक लीफ है और ये ऊपर इसका ये नोड एरिया है। तो यहाँ से हम और कट कर लेते हैं। ये मैंने कट कर लिए हैं, 1, 2, 3। ये मतलब इतना हिस्सा ही चाहिए हमें इसको ग्रो करने के लिए। और इसके लिए एक पॉट लो, नॉर्मल मिट्टी में भी ये चल जाते हैं। और थोड़ा खाद डालने पर तो ऑफकोर्स ये बहुत बढ़िया चलेंगे। और इसमें बनाइए छोटे छोटे होल्स और इनको जिस दिशा में ये लगते हैं वैसे ही बस इनको इस तरह से गाड़ते जाए। ये देखो, मैंने इस पॉट में गाड़ लिया है। ये हमें देखने में स्टेम्स डेड लग रही है लेकिन ये इसमें यहाँ पे देखो नोड एरिया में ये ग्रोथ करेगा। ये मैंने इसमें खूब सारी कटिंग्स लगा ली हैं और ये मेरे पास खूब सारी बची हुई हैं, ये देखो। बस इतना इतना मैंने बस 6-6 इंच के पीस बनाए हैं ये वाले। ये काफ़ी सारे मेरे पास अभी पड़े हुए हैं, किसी को चाहिए तो ले सकता है। और मैं अब दिखा रही हूँ आपको 10 दिन बाद की इसकी ग्रोथ। ये देखो कितना मोटी स्टेम थी ये वाली।
ये देखो, ये इसमें आपको ग्रोथ दिखाई दे रही होगी, कितनी खूबसूरत ग्रोथ करी है। और ये एक और पॉट है, इसमें भी देखो ये इतनी मोटी स्टेम है और इसके ऊपर ये सारे नोड एरिया से इसने ग्रो करना शुरू कर दिया। ये देखो, ये किसी भी सीज़न में मनी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कितनी मोटी इसकी स्टेम है और ये बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रही है। और इसका ये दूसरी वाली का पत्ता देखो कितना बड़ा। और इस पॉट में भी देखिए ये नोड एरिया से इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है, पत्ता ऊपर कोई नहीं निकला लेकिन ये ग्रोथ हो रही है। और इसमें भी मैंने आपको दिखाया इसकी ग्रोथ, इसको कोई खाद पानी की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, आप किसी मॉस्टिक के सहारे लगाइए, मतलब पेड़ चढ़ा नहीं है आपके घर में तो मॉस्टिक के पे भी आप ये मोटी कटिंग लेके, ये अक्सर गार्डन्स में बाहर कहीं भी जगह पेड़ों के ऊपर चढ़ी मिल जाती है, तो आप भी ये लेके इस तरह से लगाइए और बड़े पत्ते वाला मनी प्लांट अपने घर में लगाएं। देखो कैसी लगी आपको मेरी ये शेयरिंग, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।